जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने ये रहा मैथ का छोटा सा प्रोजेक्ट। जैसे कि आप सबने देखा होगा हम साइंस का प्रैक्टिकल करते रहते हैं, एक छोटा सा जो प्रैक्टिकल यहाँ पे मैथ का भी आप देख सकते हो कि आप सबने देखा होगा डी है, डी के अंदर यहाँ पे एंगल दिए होते हैं 90 डिग्री का, 30 का, 60 का। यही हमारे सामने यहाँ पे देखो सर्कल है पूरा और यहाँ पे हर तरह के एंगल दे रखे हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एंगल आसानी से बना सकते। जैसे मान लो 60 डिग्री बनाना, तो देखो 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। अगर 90 का बनाना है तो 90 का हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, 90 का बन जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो डी में 180 का एंगल पूरा हाफ होता है। अगर इसको हम पूरा हाफ करेंगे तो देखो 180 का एंगल बिल्कुल बन चुका है, जो हमारे डी की तरह ही है, देखो देख सकते हो। इसको अगर हम पूरा ओपन करेंगे तो कंप्लीट एंगल भी बनाई देगा। देखो पहले देख सकते हो आप 270 का एंगल बन चुका है, और यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे पूरा तो एक कंप्लीट एंगल भी बन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा सर्कल बन चुका है। इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हो जितना चाहे एंगल हम उतना बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है, 150 का, 120 का, 90 का, जो राइट एंगल हमारा 90 का होता है वो बन चुका है 60 का, इसी तरह हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि ये प्रैक्टिकल मतलब जो प्रोजेक्ट है कैसे बनाया गया, तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, बताएंगे पूरा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, ताकि आप भी इसको आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी प्रैक्टिकल देखना, तो वो भी कमेंट करके बता दें कि आप किस तरह का प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, वो भी प्रैक्टिकल हम आपके लिए लिख कर आएंगे।